अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अपना दुश्मन मान लिया गुजरों को। रेजिमेंट जो बनाई थी अंग्रेजों ने वो समाप्त होनी चाहिए, वो कलंक है हमारे। उधर का लड़का वहाँ जवान है, आर्मी में भर्ती है, और राजपूत रेजिमेंट का बिल्ला लगे और वो शहीद हो तो किसका नाम होगा? है वीरेंद्र सिंह गुजर जी, जो लगातार 21 अक्टूबर से अब तक लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि जिस तरीके से जाट रेजिमेंट, जिस तरीके से राजपूत रेजिमेंट के साथ साथ सिख रेजिमेंट जो भारत में सेनाओं में स्थापित है, उसी तरह से गुजर रेजिमेंट की मांग करते हुए उन्होंने 21 अक्टूबर से लगातार यहां पे अपने आवास पे अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका इसके ऊपर क्या कहना है, इनका क्या क्या मांगे इनकी है, आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा हिंदुस्तान का। आपका भी चैनल हमारा हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आप जिस तरीके से 21 अक्टूबर से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, आपका क्या मांग है सरकार से? देखिए सबसे पहली मांग तो हमारी यह है, जो अंग्रेजों के द्वारा जुल्म अन्याय किया और 200 साल तक जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाकर आज़ादी के बाद वो रेजिमेंट समाप्त होनी चाहिए थी, भारतीय नंबर एक नंबर दो इस तरह बननी चाहिए थी। तो सबसे पहली तो हमारी मांग यह है, अंग्रेजों ने जिस कानून बना के, काले कानून बना के जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई थी, उनको समाप्त किया जाए और नंबर एक नंबर दो भारत के नाम से बननी चाहिए, या फिर जिन गुजर सहित जिन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया गया, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अपना दुश्मन मान लिया गुजरों को और उन पर 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, बागी घोषित कर दिया, देखते ही गोली मारने के आदेश कर दिए, सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। ऐसे कठोर कानून बनाए जो आज़ादी के बाद 1952 में कानून वो समाप्त हुआ था 5 साल के बाद, लेकिन आज़ादी के बाद उन जातियों को, गुजर सहित उन जातियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विमुख जाति का दर्जा जो दिया था वो छीन लिया गया, वो मिलना चाहिए था, और उन जातियों की, गुजर सहित उन सभी जातियों की सेना में रेजिमेंट बननी चाहिए थी जो उनका अधिकार था, लेकिन वो नहीं दिया गया। ये हमारी मांग सरकार से है, हमारी सरकार से ये मांग है कि जहाँ जब हिंदुस्तान में राजा रजवाड़े सभी रियासतें अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुके थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था, जब इस सहारनपुर की धरती से कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग शुरू हुई जिसमें सर्व समाज के हजारों लाखों लोग शहीद हुए, लड़ते लड़ते गांव के गांव में आग लगा दी, उसके बाद यहां से आग लगती 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 35 साल के बाद 10 मई 1857 को मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हुई, बहुत बड़ी जंग हुई, अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम कर दिया, लेकिन वहाँ उस लड़ाई को हार चुके थे, जिसको गदर का नाम दिया गया, गदर। और आज तक भी सहारनपुर हो, मेरठ हो, धन सिंह कोतवाल हो, राजा विजय सिंह हो और अदर जो गुमनाम शहीद हैं, एक भी पाठ्य पुस्तक में कहीं इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है, वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में नाम होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनको याद कर सके, ये हमारी मांग है। लेकिन आप गुजर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो 1948 के बाद अभी तक भारत में देखा जाए तो अभी तक सेनाओं में 27 रेजिमेंट हैं, सिख जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तमाम मराठा रेजिमेंट, अब बिहार रेजिमेंट, तमाम 27 रेजिमेंट है बिहार में, पूरे भारत में। 1900 कहा जाता है सरकार की 1948 के बाद कोई रेजिमेंट का हम निर्माण नहीं किए हैं, तो आगे मैं फिर सरकार कहना है कि आगे मैं रेजिमेंट का निर्माण कैसे कर सकता हूँ? हमारा कहना यह है रेजिमेंट ना बने, लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई रेजिमेंट, जिन जातियों की रेजिमेंट बना के इस देश पे जुल्म अन्याय का शासन किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो के हिसाब से हमारे लोगों के हाथ में बंदूक राइफल दी और उन लोगों को, हमारे ही लोग जो क्रांतिकारी थे, जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे, उस रेजिमेंट ने उनको फना किया,
उनको मारा, गांव के गांव में आग लगा दी कि आजादी के बाद वो रेजिमेंट चलनी चाहिए क्या? तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उस जितनी में तमाम जो रेजिमेंट है उसको समाप्त कर नए तरीके नए सिरे से नए रेजिमेंट का निर्माण करना, यही हम कहना चाह रहे हैं। अंग्रेजों के काले कानून, वो रेजिमेंट जो बनाई थी अंग्रेजों ने वो समाप्त होनी चाहिए, वो कलंक है हमारे ऊपर। उन जातियों को खुद समाप्त करवा देनी चाहिए वो रेजिमेंट, भारतीय नंबर एक नंबर दो बना दीजा। और गुजर की रेजिमेंट इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि गुजर लड़े हैं, मरे हैं, हमारे पास सबूत है इसका। क्रिमिनल ट्राई एक्ट जिन जातियों पर लगाया गया अंग्रेजों ने, वो क्यों लगाया गया, इस पर आप मंथन करिए, सोचिए। तो जब गुजर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो इससे पहले बीजेपी के जो आजमगढ़ के नए नए वाले जो सांसद हैं उनका भी मांग था कि अही रेजिमेंट का भी निर्माण होना चाहिए, तो उनका भी उनको जरा ये मुद्दा संसद में उठाया गया था भी उनके द्वारा। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ये मांग मानेगी कि अलग अलग जातियों का भी और रेजिमेंट का नाम दिया जाना चाहिए? नहीं, सरकार को क्यों नहीं माननी चाहिए? जब अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट चल रही है उसको हटाने की हिम्मत नहीं है किसी की, तो गुजर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट या जो कोई और भी रेजिमेंट मांग रहा है क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बात बताइए मुझे, मान लिया गुजर का लड़का वहां जवान है, आर्मी में भर्ती है, और उसका राजपूत रेजिमेंट का बिल्ला लगे और वो शहीद हो, तो किसका नाम होगा? राजपूताना रेजिमेंट का जवान शहीद हुआ, गुजर का तो नाम नहीं आ रहा, तो दर्द होता है। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं कि तमाम जो जातियां हैं उनको भी समाज को न्याय मिलना चाहिए, अलग अलग और जातियों का रेजिमेंट निर्माण कर सकते, या तो सभी जातियों की रेजिमेंट बननी चाहिए, सभी के लोग वहां भर्ती हैं, सभी चाहते हैं अपना बिल्ला लगे, या सभी को समाप्त कर, या सभी को समाप्त करके भारतीय नंबर एक नंबर दो बना देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपका आंदोलन ये कब से शुरू हुआ, ये रेजिमेंट का क्या लगा के कब से शुरू किया ये रेजिमेंट का, पूरी कहानी क्या आपका है? देखिए, वैसे जब से देश आजाद हुआ तभी से मांग चली आ रही है संगठनों के द्वारा, हमारे सांसदों के द्वारा संसद में उठाई गई बात, लेकिन हमने 2020 में पहली मार्च से ये कलश देख रहे हैं आप, यहाँ ये कलश रखा है और इसमें राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर 1822 में पहली क्रांति शुरू हुई थी जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे, गांव के गांव खत्म हो गए, वहां से पहली मार्च को 2020 को वहां से कलश में हमने वहां से मिट्टी लेके कलश में और सर पे लेके पैदल यात्रा करते हुए और हम वहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचना था हमें जंतर मंतर पे 22 मार्च को, मगर कोरोना जैसी आपदा आई और माननीय प्रधानमंत्री ने 20 मार्च को ही रात को घोषणा कर दी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा देगा। हम मजबूरी में कलश को वहीं हमने गुजर भवन में रखा और इंतजार करते रहे कोरोना सही हो कब हम वहां अपने कलश को लेकर जाएं। अब 18 सितंबर को गुजर डे था और हमने 18 सितंबर को कलश को वहीं से सर पर लिया और पैदल मार्च करते करते वैसे ही और वहां जंतर मंतर पे एक दिन का धरना दिया और एक दिन का धरना देके राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया और वहां ज्ञापन देके उस कलश को यहां लेकर आए। अब कलश हमारे सामने है, इसको ही हमने सामने रख के कलश को, क्योंकि ये हमारी ताकत है उन शहीदों की जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जो लड़े हैं मरे हैं, ये हमारी ताकत है और हम इस ताकत को अपने साथ में रखे हुए हैं और इस ताकत के ही बल पे हमने 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पटेल जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए यहाँ हमने अनिश्चित काल के लिए अनशन धरना शुरू किया है और ये संकल्प किया हमने कि जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करेगा ये अनशन भी जारी रहेगा, ये धरना भी जारी रहेगा। और मैंने तीन प्रण किए थे अनशन अनिश्चित काल के लिए, मैं बिस्तरा छोड़ दिया था यहाँ जमीन पर, मैं लेट रहा हूँ जमीन पर और मेरा गांव मिरकपुर पड़ता है, मेरा गांव ऐसा गांव है जिसमें 500 साल से हुक्का बीड़ी शराब शिकार लहसुन प्याज गुजरों का गांव है, 500 साल से कोई नहीं करता। मैंने 31 अक्टूबर से ही अपना घर अपना गांव त्याग दिया
कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं यहीं डटा रहूंगा, इसके लिए जो भी होगा आर पार की, ये मैंने ऐलान कर। तो क्या लगता है आपके, आपका जो मांग है, इस मांग के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं आप जो आपका जो कंप्लेंट देख रहा हूँ समय कि उसमें सहारनपुर को विशेष जनपद का भी दर्जा दिया जाए और उसको उत्तराखंड में मिला दिया जाए, ये क्या आपकी मांग है? ये देखो, पहली जब कोई लड़ने को तैयार नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, सहारनपुर की धरती से 1822 में जब कोई बोलने को तैयार नहीं था कि सहारनपुर की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी, क्रांति उठी, सबसे पहली लड़ाई यहां से उठी, नहीं तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन सहारनपुर को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए था, वो पूर्व सरकार ने नहीं दिया और बार बार हम मांग कर रहे हैं इस सरकार से, ये सरकार भी यहाँ नहीं दे रही है, बल्कि अन्याय और जुल्म ये सहारनपुर के साथ किया कि सहारनपुर जो हमारा जिगर का टुकड़ा था, ये हरिद्वार, उसको हमसे अलग कर दिया, पहले देहरादून अलग कर दिया। तो आज हमारे बच्चे नौजवान रोजगार व नौकरी करने को मजबूर हैं उत्तराखंड में और हरिद्वार में। हमने ये कहा है या तो हमें हरिद्वार देहरादून जो हमारी संस्कृति भी मिलती है, हमारा व्यापार भी मिलता है, हमें उत्तराखंड में मिला दिया जाए सहारनपुर को, नहीं तो हमें विशेष जनपद का दर्जा देना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हम लड़े हैं मरे हैं अंग्रेजों से, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, विशेष जनपद का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या लगता है आपको कि अभी तक आपने जो यहाँ पे 21 अक्टूबर से जो अनशन यहाँ पर कर रहे हैं आप, तो अभी तक सरकार को आप कितने ज्ञापन सौंप दिए हैं और सरकार द्वारा क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आपके पास आया है नहीं आया? देखो, प्रतिक्रिया तो सरकार ने शुरू की है, मैं आपको बता दूं, जब से पहली मार्च हमने शुरू की है, काले कानूनों का हमने कई बार दहन भी किया, अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों का सहारनपुर में दहन किया, जगह जगह दहन कर रहे, इनको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो आज देख लें अखबार में, आज भी आया हुआ है, कल भी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, और ये विधेयक पास किया है कि काले कानूनों को जल्दी ही समाप्त किया जाएगा। हाँ, उन्होंने आपराधिक, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि तीन आपराधिक कानून जो है, जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जो है, उसको समाप्त कर करके नए सिरे से तीन कानून बना करके, जिसमें कहा जा रहा है सर राज्यसभा से लोकसभा से पास हो गया है, जल्दी अब एक कानून का एक रूप लेगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो तारीख पे तारीख लोग चल रहा था वो कोर्ट में अब समाप्त हो जाएगी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो जो देखो शुरुआत की है, 15 स्वतंत्रता दिवस के मौके पे लाल किले पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण लेके कहा था, ये हमारा प्रयास है, जो हमने प्रयास कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उसकी तरफ को बढ़ रहा है कदम, प्रण लेके कहा था कि जितने भी काले कानून अंग्रेजों के बनाए गए हैं, जिनसे जुल्म अन्याय की बू आ रही है, उन्हें मैं सबको खत्म करूंगा, सबको समाप्त करूंगा। तो ये तो कानून की बात होगी, लेकिन आपका क्या लगता है कि सरकार जो आप अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या रेजिमेंट की जो मांग आता है और जो सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा दिया जाए, क्या सरकार को लगता है कि आने वाले समय में इस पर मांग आपका स्वीकार कर लिया जाएगा? मैं कह रहा आपको, पहली मांग उधर कुछ चले हैं, काले कानून में रेजिमेंट वाला भी काला ही कानून है, वो भी समाप्त कर दिया गया है, किया नहीं है, होने वाला है, उम्मीद है कि जाति और धर्म की रेजिमेंट है उनको सरकार समाप्त करेगी, ऐसी उम्मीद जगी है। और रही बात इसकी कि सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा दिया जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इतिहास के पन्नों में, क्योंकि राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर का नाम पहले पूर्व सरकारों ने कभी नहीं लिया, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा है कि राजा विजय सिंह द्वारा 1822 में सहारनपुर की धरती से पहली क्रांति उठी, और उसके बाद धन सिंह कोतवाल मेरठ से, उनके नेतृत्व में आवाज उठी, जो पूर्व सरकार ने किसी नेता ने कहा ही नहीं आज तक, वो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और उसका पाठ्य पुस्तक में जल्दी ही करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें लगती है कि पाठ्य पुस्तक में शामिल करेंगे। सिर्फ एक बात पर मैं आपके सामने जोर देकर सरकार को कहना चाहता हूं, जो मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल ट्राई एक्ट
बहुत बड़ा गलत कानून बनाया था गुर्जर सहित और जातियों पे, उनको देखते ही गोली मार देना, सब कुछ जमीन जायदाद छीन लेना, और एक बच्चा अगर पैदा होता था गुर्जर के तो ये लिख कर आना पड़ता थाने में, एक बागी का बागी पैदा होगा। रोज थाने में अपनी ये लिख कर आना पड़ा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा ऐसा गलत कानून गुर्जरों पर लगाया और वो सब कुछ छिन भिन हो गया, सब कुछ छिन भिन हो गया। सरकार को चाहिए उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विमुख जाति का जो दर्जा उनको मिलता था पूरे भारत में मिलना चाहिए, और उनको उन जाति को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि सम्मान से वो जी सकें। नहीं तो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यही बात है कि गुर्जर तो क्रिमिनल है, गुर्जर तो चोर है। ये हटना चाहिए, ये तभी हटेगा जब स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलेगा, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, उनकी रेजिमेंट जरूरी है, और की हटे ना हटे लेकिन गुर्जर रेजिमेंट जरूरी है, क्योंकि ये लड़े हैं, मरे हैं, और आज भी देश के लिए जीना और मरना देश के लिए है, देश सर्वोपरि है गुर्जर समाज के लिए, क्योंकि इसकी मिसाल है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम गुर्जर हैं, लेकिन जब भी वहां सरहद पे आतंकवादी हमला करते हैं तो सबसे पहले सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए गुर्जरों को रेजिमेंट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिनका मैं परिचय आपको करवा दिया हूँ। ये 21 अक्टूबर से यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए, इनका मांग है कि सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ सेनाओं में नए रेजिमेंट के रूप में गुर्जर रेजिमेंट को शामिल कराया जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान। नमस्कार।